गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं हूँ रश्मि बरासी और आज का वीडियो मैंने सुबह से ही चालू कर दिया। तो सुबह बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, तो सबसे पहले मैं आपको मौसम ही दिखा देती हूँ। तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, धूप भी थी, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो यहाँ पे मैं छत की झाड़ू निकाल रही हूँ। तो सुबह सुबह का जो सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि चाय बनाने के पहले थोड़ी सी जो झाड़ू वगैरह है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी चाय लेके बैठी हूँ। और मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि आप सबके जितने भी मैसेज होते हैं उनके जवाब देने के, सबको मतलब मैं वीडियोस जितने आए हैं चाय के साथ साथ मैं उन्हें देख लूं, पर ऐसा कभी हो नहीं पाता। और एक आदत सी हुई सुबह उठ के सारे मतलब नोटिफिकेशन चेक करने की, आप लोगों की भी शायद इस तरीके की आदत बन गई होगी। तो ये मतलब ये रोज़ का ही काम है। पहले न्यूज़ वगैरह देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, पर अभी का जो समय है मोबाइल का समय है, तो आप चाहो ना चाहो सुबह उठते ही आपके हाथ में फ़ोन आ ही जाता है। और अभी जैसे कि आप अगर यूट्यूब में वीडियोस वगैरह जैसे कि मैं डालती हूँ, तो मेरा मतलब सबसे पहला काम यही है कि वाइट स्टूडियो खोलना और सबके मैसेजेस देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, आंसर्स करना सबके। तो बस ये दिनचर्या है और सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से ही होती है। आप सबकी भी इस तरीके से ही होती होगी ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं ये जो सलजनी की फली कहते हैं इसको, हमारे यहाँ इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक कहते हैं, तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसकी मैं आज सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इसकी तैयारी कर रही हूँ। वैसे मैं खाना बनाते ही समय सब्जियाँ कट कर लेती हूँ, बट इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है, इसको साफ़ करना पड़ता है, पीसेस करने पड़ते हैं, ऊपर के इनके छिलके निकालने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से मैं इसको पहले ही लेके बैठी हूँ, ताकि मतलब करीब से जो आधा घंटा तो उसको लगते ही है तो अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो मैं इसको पहले ही लेके बैठ गई ताकि मैं इसको अच्छे से पूरी क्लीन कर सकूं और फिर सब्जी बनाने तक रेडी हो जाए। तो मैंने ना आज जो कच्चे आम जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं उनकी लौंजी भी बनाने वाली हूँ, यानी खट्टी मीठी चटनी। जो लौंजी नहीं समझते होंगे, हमारे यहाँ गांव में कैरी वो जो लौंजी बनाते हैं ना कैरी की, उसके बगैर तो शादी ही नहीं होती, मतलब वो कंपलसरी है, वो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से छील लिया है और पानी से धो लिया है। तो मैंने जो इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग नहीं करी है, वो मैंने रखी हैं, ताकि मतलब उसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है कलौंजी, गुड़ और यहाँ लाल मिर्च ली है और नमक लिया है, बस इतने में ही बन जाएगी। और कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा रखा है, जो कि मेरा गरम हो चुका है तेल। तो इसमें मैं ये जो कलौंजी है ना ये डालूँगी। तो कलौंजी डालने से एक्चुअली थोड़ा सा ना अचार वाला फ्लेवर आता है, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें आप राई जीरा डालने के बजाय कलौंजी डालिए, तो थोड़ा अचार वाला फ्लेवर आ जाता है। और इसमें फिर मैं ये खट्टे आम हैं इनको मैं डाल लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्की सी मतलब एक भाप नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो मैं इनको बस मतलब एक बार इस तरीके से थोड़ा सा चला के और ढक दूँगी, ताकि ये भाप में हल्के से पक जाएं। और बस 5 मिनट में ये अच्छे हो जाएंगे। तो इनको फिर मतलब ऐसे खाली बिना कोई मसाले डाले इतना ही पकाना है। और यहाँ गुड़ को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, तो मैं यहाँ गुड़ डाल दूँगी। और ये मैंने लाल मिर्च है इसमें थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी, नमक भी डाल दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो गुड़ है वो मेल्ट होएगा
तो थोड़ा सा पानी इसमें चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ी ऐसी सूखी वाली नहीं बनाऊँगी, मैं थोड़ी इसको थोड़ी लिक्विड वाली बनाऊँगी, क्योंकि वो चपाती रोटी से खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इसको मिक्स करके धीमी आंच में ही पकाना है, वरना ये जो कच्चा आम है ये बिल्कुल मतलब ऐसे हलवा जैसा बन जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाना है। और मैं इसको ढक दूंगी और थोड़ी 5 मिनट के बाद ये गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको एक बार और चला देंगे और थोड़ा और पकने देंगे ताकि जो पानी मैंने डाला है वो अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से बस बहुत इजी है, बन जाती है और ये काफ़ी ख़राब भी नहीं होती, कई दिनों तक इसको रख सकते हैं। तो ये हमारी लॉन्जी रेडी है। तो यहाँ पे देखो, ये एक तरफ तो उजाला हो रहा है और एक तरफ हो रहा है अंधेरा। तो मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कैसा मिला जुला सा, मतलब अजीब सा ही कुछ मौसम हो रहा है। तो मतलब एक ही साइड ये देखो चांद भी निकल आया है, एक साइड अंधेरा है और एक साइड उजाला हो रहा है। तो आज मैं अब बैठी हूँ खाना खाने, सबने खाना खा लिया है। तो आपको जो मैंने लॉन्जी की रेसिपी बताई वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और यहाँ मैं रखी मेरी थाली, मैं अब खाऊंगी खाना। और आज जो है ना पूरा डे मतलब नॉर्मली रहा, कुछ ऐसा एक्साइटिंग था नहीं। और मैं सो गई थी तो दिन और भी जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो मतलब हर दिन ऐसा है कि आम नहीं होता और हर दिन खास भी नहीं होता। तो ऐसे ही अगर आप सोचोगे, अगर ये वीडियो जाएगा, जब इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर मतलब कुछ अच्छा ही था। और अगर सोचेंगे इस दिन के बारे में तो कुछ किया ही नहीं आज के दिन, आज सोते ही रहे, आज बहुत सोई हूँ मैं। तो आप लोग जो भी वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और सबके रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। और जो जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है चैनल पर। मैं कोशिश करूँगी कि डेली अच्छे से अच्छे वीडियोस डाल सकूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और मैं थोड़े छोटे ही वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ उसको पूरा देखिए, ताकि मतलब बोरियत ना हो, क्योंकि इतने लंबे वीडियोस मैं भी नहीं देख पाती हूँ, तो मैं छोटे ही डालती हूँ। तो अब मैं करूँगी खाना खाऊँगी और वीडियो को ही ख़त्म करूँगी। मिलूँगी मैं आपको कल अच्छे से एक ब्लॉग के साथ। तो जो जो चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट भी कर लेना। कमेंट भी कर देना। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, घर पे रहना। मिलती हूँ आपको कल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।